तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और गाइज़ अगर आपके पास एक जियो का सिम है और यहाँ पे जब भी आप किसी को भी SMS सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है मैसेज नॉट सेंड, फ़ोन नंबर फॉर्मेट इनकरेक्टली। तो ये जो प्रॉब्लम है वो अगर आपके फ़ोन में आ रहा है तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि गाइस कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग देखते रहिए इस वीडियो को पूरा एंड तक, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो तरीके बताऊँगा और उन दो तरीक़ों को आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो जो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको SMS सेंड करने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नंबर जो है वो रिचार्ज है या नहीं है। तो कभी कभी होता क्या, आप यहाँ पे अपने सिम में रिचार्ज कर लेते हैं लेकिन दोस्तों आपके फ़ोन में SMS सेंड नहीं होता है। वो इस कारण से होता है कि आपने दोस्तों SMS पैक वाला रिचार्ज नहीं कराया, आपने जो अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा जो वाला रिचार्ज है उसको कराया और SMS वाला रिचार्ज आपने नहीं कराया, तो आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो आप इसको सबसे पहले देख लीजिए अपने फ़ोन पर। और उसके बाद दोस्तों अगर आपने रिचार्ज करा रखा है SMS पैक और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है मैसेज। मैसेज लिखने के बाद उसको ओपन कर लेना है इस वाले एप्लीकेशन को, और यहाँ पर आपको स्टोरेज पर क्लिक करके सबसे पहले डाटा क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन परमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको SMS पे क्लिक करना है और इसको अलाउ कर देना है, यानी कि SMS का परमिशन आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों हो सकता है तो आप जो है फोर्स स्टॉप भी कर लीजिए, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।